आज मैं आपके लिए एक ऐसी सुपर टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे हलवाई अक्सर शादियों में बनाते हैं और हम सबको वो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। मैं बात कर रही हूँ पनीर मखाने की मसालेदार और चटपटी सब्जी की। इसे खाने के बाद आप पनीर बटर मसाला भी भूल जाएंगे। इसका टेस्ट, कलर और खुशबू सब कुछ एकदम ज़बरदस्त है। तो चलिए बनाते हैं ये टेस्टी पनीर मखाने की सब्जी। सबसे पहले कढ़ाई में मखाने भूने। ये वजन में 30 ग्राम मखाने हैं और मैं इन्हें लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लूँगी। इन्हें घी डालकर भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस ड्राई रोस्ट ही कर लें। मुश्किल से 7-8 मिनट लगेंगे और आपके मखाने भुन जाएंगे। चेक करने के लिए एक मखाने को लें और इस तरह से दबा कर देखें। अगर वो आसानी से दबकर एकदम चूरा चूरा हो रहा है तो इसका मतलब आपके मखाने भुनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इन्हें निकालकर एक अलग प्लेट में रख लें। अब सब्जी की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 5 टमाटर लिए हैं। ये रेसिपी बिना प्याज लहसुन के बन रही है तो आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं, लेकिन प्याज लहसुन ना डालने का मतलब ये नहीं है कि सब्जी टेस्टी नहीं है। ये सब्जी बहुत ही लाजवाब और टेस्टी बनती है। फिर भी अगर आप बहुत पसंद करते हैं प्याज लहसुन डाल सकते हैं। मैं तो इसे बस इन 5 टमाटरों से ही बना रही हूँ। इन टमाटरों को मैं रफली काट लूँगी और अब पनीर तैयार करते हैं। ये मेरे पास 400 ग्राम पनीर है। इसे मैं थोड़े मोटे मोटे स्क्वायर पीसेस में काट लूँगी। इसके मोटे मोटे पीसेस खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब इन पनीर के पीसेस में मैं 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, साथ ही 1/2 चम्मच नमक भी डालूँगी और हल्के हाथ से इन्हें अच्छे तरह से मिला लूँगी। अगर आप बहुत ज़ोर ज़ोर से मिलाएंगे तो पनीर टूट भी सकता है, इसलिए इसे हल्के हाथ से ही मिलाएं और फिर मैरिनेटेड पनीर को थोड़ी देर के लिए अलग से ढककर रख दें। वैसे मैरिनेट करने से मसाला पनीर के पीसेस के अंदर तक चला जाता है ताकि जब आप सब्जी खाएं तो हर बाइट में टेस्ट आए। चलिए अब ग्रेवी तैयार करते हैं। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल डालें। जब वो गर्म हो जाए तब कुछ खड़े मसाले डालें, जैसे 1 तेज़पत्ता, दालचीनी, 4 काली मिर्च और 3 लौंग। अब शादियों वाला हलवाई जैसा फ्लेवर चाहिए सब्जी में तो खड़े मसाले तो डालना ज़रूरी है। फिर 1/2 चम्मच जीरा डालें और 1/2 ही चम्मच सौंफ भी डालें। साथ में ही 2 छोटी हरी इलायचियों को खोलकर डाल दें और 1/4 चम्मच हींग भी डालें और फिर 2 इंच अदरक के टुकड़े भी डालकर हल्का सा भून लें। फिर हम लगभग 10 काजू भी डालेंगे इसके अंदर और इन्हें भी साथ में ही हल्का सा भून लेंगे। आँच को इस समय हल्का ही रखें, बहुत ज़्यादा हाई मत करिएगा। बहुत ज़्यादा फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए इतना ही काफ़ी है। फिर इसमें जो हमने पहले से टमाटर काट कर रखे थे उन्हें डाल देंगे और इसमें 1/4 चम्मच नमक भी डालेंगे और अच्छे से आपस में मिला लेंगे। नमक डालने से टमाटर जल्दी पक जाते हैं। फिर इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे और 1 साबुत लाल मिर्च को भी तोड़कर डाल देंगे। फिर इसमें 1/2 कटोरी पानी डाल दें और इसे 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें। ऐसा करने से सारे मसाले और टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए अब ये कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब गैस बंद करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये मसाला ठंडा हो जाए तो मिक्सी में डालकर पीस लें। ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है। अब कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डालें और साथ में 1 चम्मच देसी घी या बटर डालकर भी गर्म कर लें। फिर 1 बड़ी चम्मच भरकर धनिया पाउडर डालें। अब शादियों वाली सब्जी खानी है तो मसाले तो ज़्यादा ही जाएंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच देगी मिर्च यानी कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दें। फिर 1/2 चम्मच शाही पनीर मसाला भी डालें और इनको अच्छे से भून लें। अब इसमें जो टमाटर वाली ग्रेवी हमने तैयार की थी उसे भी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसे 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। ढकने से पकाते समय जो छींटे उड़ेंगे वो हम पर नहीं आएंगे। देखिए कैसे उबाले आने लगे हैं इसमें और घी भी निकलना शुरू हो गया है। अब मैंने जिस मिक्सी में मसाला पिसा था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर बचा हुआ मसाला भी इसमें डाल दिया है। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा पानी इसलिए डाला जाता है ताकि ग्रेवी अच्छे से भुन जाए और हमारा मसाला जले नहीं। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच मलाई डालेंगे ताकि ये एकदम रिच, क्रीमी और टेस्टी बने। मलाई एकदम फ्रेश होनी चाहिए, बासी नहीं होनी चाहिए। फिर इसमें 1 बड़ी चम्मच कसूरी मेथी को इस तरह हाथ से क्रश करके डालेंगे। इस पनीर मखाने की सब्जी में कसूरी मेथी का टेस्ट
बहुत ही अमेजिंग लगता है। अब इसमें एक कटोरी मटर भी डाल देंगे। मैंने तो फ्रोज़न मटर लिया है, आप चाहें तो ताज़े मटर भी ले सकते हैं। इनका वज़न लगभग 100 ग्राम है। इसे भी ग्रेवी के साथ ही पका लें और जब तक घी ना निकल जाए तब तक ढककर छोड़ दें। देखिए बस 5 मिनट लगे और मसाला पूरी तरह भुन गया और घी भी कैसे ऊपर की तरफ आ गया है। अब हम इसमें जो हमने पनीर पहले से ही मैरिनेट करके रखा था उसे डाल देंगे और उसे अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स करेंगे। इसी समय इसमें हम आधा कटोरी पानी भी डालेंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसके अंदर जो हमने मखाने भून कर रखे थे उन्हें भी डाल दें और सबको अच्छे से आपस में बिल्कुल मिक्स कर लें, अच्छे से मिला लें। इस मसाले को 5 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर और पकाएंगे और जब तक वो पक जाएगा तो पकते पकते एकदम हर चीज़ के अंदर आपका मसाला अच्छे से चला जाएगा और आपकी हलवाई जैसी मसालेदार और टेस्टी पनीर मखाने की सब्जी खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। शादियों में तो नान के साथ खाते हैं, वैसे आप चाहें तो रोटी और पराठे के साथ भी खा सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये सच में एकदम लाजवाब और टेस्टी बनी है। क्या आपको भी पनीर खाना पसंद है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।